फर्श निर्माण कार्य हो रहा है। देखिए इसी प्रकार से निर्माण कार्य चल रहे हैं। देखिए उसके बाद यहाँ फर्श बना दी जा रही है। देखिए सामने आप देख सकते हैं कि अयोध्या में निर्माण कार्यों का यह सबसे नवीनतम प्रदृश्य है। और देखिए यहाँ पर फुटपाथ पर फर्श का निर्माण कार्य किया जा रहा है। ये देखिए ये फर्श बनाई जा रही है, डिजाइन बन रहा है इस पर। इसके ऊपर क्या लगेगा? जो कलरदार। अच्छा, कलर लगेगा। देखिए यहाँ पर फर्श निर्माण कार्य हो रहा है। देखिए और ये बिल्कुल राम मंदिर जाने का सीता पथ मार्ग है। मैंने इसके विषय में पहले भी आपको बताया कि चूड़ामणि चौक से आगे यह सीता पथ मार्ग यह अयोध्या के सबसे सुंदरतम मार्गों में से एक है। और देखिए यहाँ पर फर्श का निर्माण कार्य किया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर कई वृक्ष भी लगे हैं। देखिए नए प्रकार के यहाँ गमले स्थापित किए गए हैं अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा। देखिए सड़कों की उधर सफाई हो रही है, तो यहाँ पर फर्श का निर्माण कार्य किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर किनारे जो फुटपाथ है उस वहाँ पर देखिए फर्श का निर्माण कार्य किया जा रहा है। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा यहाँ जितने भी फुटपाथ बने हैं उन सभी को विकसित करने के लिए गमले लगाना, फुटपाथ में डिज़ाइनदार पत्थर लगाना, ये सारे निर्माण कार्य किए जाएंगे। देखिए ये फर्श पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। और कितने सुंदर यहाँ जो वृक्ष लगाए गए थे, पौधे लगाए गए थे, देखिए सब आकार ले चुके हैं। और यहाँ का तो यदि नियमित रूप से उद्यान विभाग द्वारा इसको ध्यान दिया जाए तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। देखिए यहाँ पर फर्श का निर्माण कार्य किया जा रहा है। ये प्राधिकरण करा रहा है काम, ज़्यादा प्राधिकरण द्वारा है, ये PWD द्वारा देखिए इसे संचालित किया जा रहा है। ये फर्श बन रही है। देखिए यहाँ पर फर्श लाल कलर की, लाल रंग की फर्श बनाई जा रही है। देखिए संपूर्ण मार्गों पर, संपूर्ण फुटपाथ में यहाँ पर देखिए निर्माण कार्य हो रहे हैं। और देखिए यहाँ पर लाल रंग का छिड़काव किया गया है और उसके बाद यहाँ फर्श बना दी जा रही है। देखिए PWD विभाग द्वारा इसे निर्मित किया जा रहा है। देखिए ये स्लिप मशीन है, इसको इसे
स्लेप किया जाता है कहीं। और देखिए इसी प्रकार से निर्माण कार्य चल रहे हैं। देखिए फर्श बनाने का कार्य हो रहा है, इसको समतल किया जा रहा है पूरी तरीके से। और देखिए इतनी फर्श बनकर तैयार हो चुकी है और अभी भी इसको स्लेप में लाना बाकी है। देखिए इसी प्रकार से ये फर्श बनकर तैयार हो गई है। देखिए अब इसकी गुणवत्ता एक जाँच का विषय हो सकता है और सभी निर्माण कार्यों को जो भी PWD विभाग अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे हैं उन सभी को दिखाना हमारा उद्देश्य है और उसकी गुणवत्ता को आप भी जांचें कि इसके कार्यों की गुणवत्ता कैसी है। देखिए ये पूरा फर्श देखिए बिल्कुल चौकोर आकृति में, वर्गाकार आकृति में इस पर खांचे काटे गए हैं। देखिए और जल निगम का टैंकर भी आया है पानी की व्यवस्था के लिए। और इसी प्रकार से यहाँ पर फर्श के निर्माण कार्य हो रहे हैं। अब देखिए साफ सफाई के लिए यहाँ पर ट्रक भी आ रही है। देखिए अयोध्या को बिल्कुल साफ सुथरा सुंदर मोहक बनाने की तैयारी की जा रही है। सड़कों के किनारे बिल्कुल साफ सुथरे हों, वहाँ कोई कूड़ा ना हो, इसके लिए मशीनें नगर निगम ने मंगाई हैं और उसी के द्वारा संपूर्ण अयोध्या की सफाई हो रही है। ये देखिए और देखिए ये सीतापथ मार्ग है, माता सीता और सामने चूड़ामणि चौक है जहाँ से परिक्रमा पचकोसी और चौदह कोसी परिक्रमा इसी स्थल से होकर जाती है। और देखिए यहाँ पर फर्श का निर्माण कार्य हो रहा है। देखिए पहले यहाँ पर RCC ढलाई की गई, इसके बाद इस पर कलर डाला जा रहा है, उसके बाद इस पर स्लेप बना दिया जाएगा। देखिए सामान्य ढलाई है। और सभी फुटपाथ को खूबसूरत बनाने के उद्देश्य से यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं और जो भी निर्माण कार्य हैं यहाँ पर सभी विभागों के समन्वय से निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। जैसे ये निर्माण PWD कर रहा है तो इसकी सफाई का कार्य नगर निगम द्वारा संचालित होगा और विकास प्राधिकरण यहाँ योजनाएँ बनाएगा।
अब ये देखिए सोलर लैंप लगे हैं और इसमें 80% से अधिक लैंप ख़राब हैं और इसको बनाने की, इसको बदलने की आवश्यकता है। मुझे लगता है स्वतः हमें इस पर संज्ञान लेना चाहिए। देखिए तमाम सोलर लैंप यहाँ लगे हुए हैं, पूरी जो पूरा ये मार्ग है लगभग 3 से 4 किलोमीटर लंबा है और इसी मार्ग से आप राम मंदिर के दर्शन करने के लिए सबसे सुलभ मार्ग है, सबसे छोटा और शॉर्टकट मार्ग है। और देखिए ये मार्ग, देखिए यहाँ लगभग पेड़ पौधे सूख चुके हैं, इनको फिर से निर्मित करने की आवश्यकता है। और ये जो सोलर लैंप लगे हैं देखिए, और एक एक सोलर लैंप की कीमत हज़ारों में है। और देखिए यहाँ पौधों को पानी न देने की वजह से ये सभी सूख चुके हैं। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो इस चैनल का ज़रूर हृदय से समर्थन करें। अयोध्या के विकास कार्यों के लिए समर्पित यह चैनल आप सभी के सुझावों को जरूर गौर करेगा। आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।